कैसे होगा? देखिए तीन चार चीजें होती है, एक तो होती है कि आपके पास रोड मैप होना और दिशा होना, तो रोड मैप है, दिशा है। दूसरी आप ये देखिए कि परसों नतीजे आए हैं और आज मुख्यमंत्री महोदय काम पर लग गए, ये काम पहले से ही चल रहा था, इसको आज से क्रियान्वयन भी करना शुरू कर दिया, तो हमारे पास रेस्ट करने के लिए कोई समय नहीं है, काम 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 करते जाएंगे, हो जाएगा। मॉनिटरिंग की जो टीम है जो बढ़ रही है वो इसीलिए है कि पूरी तरह से सीएम खुद इसके ऊपर नजर रखेंगे कि तीन साल के बच्चों हमने रोड मैप रखा है, तीन साल में किस प्रकार से क्रियान्वित हो और मध्य प्रदेश को नंबर वन आत्मनिर्भर प्रदेश के श्रेणी में हिंदुस्तान में ला के रखे। तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो विजन आत्मनिर्भर भारत है उसमें मध्य प्रदेश पहला प्रांत है जो अपना खुद का रोड मैप लेके आया है कि टाइम टेबल के साथ तीन वर्ष में किस प्रकार से हो सकता है। यह मैंने सारी नॉन पॉलिटिकल बात की है। अब यदि आप मुझसे पॉलिटिकल बात पूछना चाहते हैं तो कांग्रेस को दिक्कत है कि इनसे क्यों नहीं पूछा गया। मेरे भाई हमने नीति आयोग के लोगों से पूछा, हमने विशेषज्ञों से पूछा जो खुद आत्मनिर्भर है, जो खुद आत्मनिर्भर नहीं है कांग्रेस जैसे लोग उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बिल्कुल सही कहा और मैं भी यही बात कहने वाला था कि देखिए सबसे विचार करने में कोई समस्या नहीं, विचार होना भी चाहिए, लेकिन हमारे पास देयर इज नो एब्सोल्युटली नो टाइम टू वेस्ट, मतलब व्यर्थ करने के लिए कोई समय नहीं है। और चुनाव के समय चुनाव अपना काम कर रहा था, पार्टियां चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो अपना अपना काम कर रही थी, लेकिन अधिकारियों की टीम को जो काम दिया गया था आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में, वह डॉक्यूमेंट भी तैयार हो रहे थे, तो एक साथ सभी काम होते हैं। दूसरी एक बात दर्शकों को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं डिबेट में समय कम मिलता है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक और जो बड़ी कड़ी है उस पर इंगित करना चाहूंगा, जो हर जगह हम इलेक्ट्रिक ई गवर्नेंस हो या फिर एम गवर्नेंस हो, उस कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहे हैं। वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि दुनिया जो है वो थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आगे बढ़ के फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे जा रही है, जो कि डिजिटल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, और इसमें जो देश जो प्रदेश आगे बढ़ पाएंगे वे सर्वाइव करेंगे, अन्यथा पीछे रह जाएंगे। दुनिया ने देखा कि यूएसएसआर कॉलेज क्यों हुआ था, क्योंकि सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो मैकेनाइजेशन की थी वो तो उन्होंने अर्जित कर ली थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल जो रिवॉल्यूशन हुई थी इलेक्ट्रिकलाइजेशन की उसको अर्जित नहीं कर पाए, देश कोलैप्स हो गया। तो हम आगे बढ़ना है तो हमको डिजिटल करनी है चीजों को, उसका भी पूरा ध्यान रखा था यार इस रोड मैप में। बिल्कुल गुलरेज जी, ये सुना आपने पूरी बात, हमें लगता है आप जवाब दें जी। देखिए मेरे मित्र ने जो कहा वो कांग्रेस पार्टी की वजह से कहना पड़ रहा है, मन से तो वो भी नहीं मान रहे होंगे जो बात बोल रहे हैं, बस सच है क्योंकि सच नहीं है। और 132 पेज का यह रोड मैप है जिसका चित्र भी दिखा रहा था पीडीएफ फाइल का, मैं अभी ब्रजेश जी को भेज दूंगा थोड़ी देर में, व्हाट्सएप करूंगा, पूरा अध्ययन करें। उसमें कृषि की बात भी है, उसमें मूलभूत संरचना की बात भी है, शिक्षा की भी बात है, उसमें शिक्षा की भी बात है, उसमें यहाँ तक की जो लोकल क्लस्टर्स होते हैं उसके विषय पे भी बात है, उसमें किस प्रकार से किसानों को समर्थन देना है उसकी भी बात है, बच्चियों को आगे कैसे ले जाना है उसकी भी बात है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं, यहाँ तक कि ड्रेनेज किस प्रकार से आगे ले जाना है, ड्रेनेज को कैसे ठीक करना है, किस प्रकार से हमको जो हमारा वेस्ट है उसको रिसाइकल करना है, इन सब चीजों पर है। 132 पेजेस पढ़े पहले कांग्रेस के प्रवक्ता, उसके बाद प्रश्न उठाए, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस शायद अपने प्रवक्ताओं को माफ करना बिना प्रिपरेशन या तो भेजती है या जानबूझकर बरगलाते हैं, क्योंकि ब्रजेश जी जो है वे बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति, इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग वो कह रहे हैं उन्होंने पूरी स्पीच सुनी है, गुलरेज भाई पूरी स्पीच सुनी है सीएम साहब की। सर स्पीच एक अलग चीज होती है, आपने डॉक्यूमेंट पढ़ा, जो रोड मैप है जो मैं आपको बता रहा हूँ 132 पन्नों का रोड मैप है, जो रोड मैप पे टेक्निकलिटीज है उसको आपने देखी कि कहाँ विजन लेके जा रहे हैं और मध्य प्रदेश को कहाँ ले जाने के लिए किया जा रहा है, ये आप थोड़ा उसको पढ़े, हर सेक्टर को कवर कर रहा है। और खुद चूंकि मुख्यमंत्री की ही ये योजना है, मुख्यमंत्री का विशेष ध्यान है इसके ऊपर, हर सप्ताह मुख्यमंत्री खुद ऑडिट करेंगे। ठीक है पटेल साहब, रखिए जब कोई भी सरकार पूरा डॉक्यूमेंट रिलीज करती है तो वह इस बात को भी समझती है कि उसकी जवाबदारी बनती बनेगी और अकाउंटेबिलिटी ली जाएगी, और जब आप कोई भी चीज के ऊपर समय अवधि फिट कर देते हैं, निश्चित कर देते हैं कि इतने समय में यह कार्य होना है, तो डेफिनेटली अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही सेट करते हैं, जैसे राहुल गांधी ने की थी कि मंदसौर में कहा था 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ होगा वरना मुख्यमंत्री ऑफ होगा, तो उन्होंने नहीं किया ऑफ,
तो दूसरों ने कर दिया और आज परिणाम सामने है। तो हम भी जब 3 साल के बाद आएंगे तो हम बताएंगे कि यह हमारा रोड मैप था और यह इसका रिपोर्ट कार्ड है। इसी दृष्टिकोण से हमने अपने आप के लिए एक डेडलाइन फिक्स की है कि 3 साल के अंदर ये काम होंगे और जनता के सामने रखे जाएंगे। और आदरणीय शिवानीवास जी ने बिल्कुल सही कहा था कि जब कैप्टन बदलता है तो तरीके बदल जाते हैं, दृष्टि और दृष्टिकोण बदल जाती है। कमलनाथ जी थे तब भी काम हो रहा था, उनकी दृष्टि में था कि जैकलीन फर्नांडिस को मध्य प्रदेश लाना है, वो जैकलीन मध्य प्रदेश ले आए। अब शिवराज जी है, उनको विकास लाना है, वो विकास लाए। ये कहना चाहता हूँ कि हमने 3 साल का अपने लिए खुद के लिए एक डेडलाइन रखी है और अपने लिए एक रोड मैप रखा है कि हमको ये डिलीवर करना है। और मैं 3 साल के बाद जब वोट मांगने आएंगे तो मैं खुद DNN समेत सभी चैनलों का अपना रिपोर्ट कार्ड लेके आऊंगा।